दोस्तों आपका स्वागत है हमारी चैनल में। आज की हमारी कहानी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है मीना। कॉलेज में पढ़ रही मीना को कई दिनों से एक लड़का तंग कर रहा था। पूरा दिन पढ़ाई करके थकी हारी मीना अपने कमरे में आते ही सो जाती है। दिन में वो उसके बचपन से बड़े होने का सपना देखती है और इसी बीच उसके साथ कुछ बुरा भी होता है। मीना ने सपने में क्या देखा, आइए देखते हैं आज के सीजन 2 के तीसरे एपिसोड में। आंख लगते ही मीना सपने में खो जाती है। उसे उसका बचपन याद आता है। हंसती खिलती खिलखिलाती मीना पापा की परी थी। शरारत करने में उसका कोई जवाब नहीं था। चाहे जितनी शरारत कर ले उसे कभी डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उसके माता पिता की वो एक लौती संतान थी। परिवार के सब लोग उसे बहुत प्यार देते थे। मीना को आज भी याद है कि बचपन में वो अपनी दोस्तों के साथ घर घर खेला करती थी। उसे चाय बनाना बहुत पसंद था तो किचन सेट के छोटे छोटे बर्तनों में हमेशा चाय बना के सबको पिलाया करती थी। उसे मालूम था कि ये असली चाय नहीं है पर वो सबको पानी डाल के दे दिया करती थी। घर वाले भी वह पानी को चाय बोलकर पी लिया करते थे जिससे मीना को बहुत खुशी मिलती थी। मीना थोड़ी बड़ी हुई तो उसे स्कूल में दाखिला मिला। मीना को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे तो बस खेलना था। वैसे भी इस उम्र में बच्चे खेल कूद ज्यादा पसंद करते हैं। उसे हमेशा ऐसा होता था कि कब स्कूल खत्म होए और वो घर जाए और खेले। मोहल्ले में उसकी कुछ दोस्त भी थी जो उसका जैसा ही सोचती थी और वे लोग हमेशा साथ में खेल कूद किया करते थे। मीना की मॉर्निंग स्कूल हुआ करती थी और उसे जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा छुट्टियों का इंतजार किया करती थी कि कब छुट्टियां हो और उसे पढ़ाई लिखाई ना करनी पड़े। मीना हमेशा छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने जाती थी। मीना के मामा फैशन डिजाइनर हैं और वे हमेशा नए नए कपड़े डिजाइन करते रहते हैं। मीना को भी उसके मामा के जैसा फैशन डिजाइनर बनना था ताकि वो अच्छे कपड़े डिजाइन कर सके। वो उसके मामा को हमेशा कहती थी कि उसे फैशन डिजाइनर बनना है लेकिन वो छोटी थी तो उसके मामा हंसी मजाक में उसे टाल देते थे। मीना थोड़ी बड़ी हुई और प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में दाखिला मिला। मीना के माँ बाप को हमेशा से ही चिंता रहती थी कि ये लड़की पढ़ाई लिखाई करती नहीं तो बड़ी होकर क्या करेगी। एक दिन की बात है, हाई स्कूल की छुट्टियां थी तो मीना ने मामा के घर जाने की जिद की। अब वो थी तो सबकी लड़की तो उसे मामा के घर भेज दिया गया। वो हमेशा मामा के स्टूडियो में कपड़ों की नई नई डिजाइन देखा करती थी। अब तो उसने जिद पकड़ ली थी कि उसे फैशन डिजाइनर बनना ही बनना है। उसने मामा से रिक्वेस्ट की कि उसे फैशन डिजाइन सिखाओ। मामा ने उसे बिठाया और कहा, मीना अगर तुझे फैशन डिजाइनिंग सीखना है तो तुझे पढ़ना होगा। अगर तू अच्छे से पढ़ेगी तो ही तुझे अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और तू फैशन डिजाइन सीख पाएगी। मामा की यह बात मीना के दिलो दिमाग में बैठ गई। फिर क्या था, मीना खूब मन से पढ़ाई करने लगी। उसके माँ बाप भी उसे देख दंग रह गए। मीना के व्यवहार में आया बदलाव देख वो भी हैरान थे। उन्होंने मीना से पूछा कि अचानक से तुझे क्या हो गया, तेरा तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और अब देख तू कितना पढ़ती है। मीना ने कहा, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है और मामा ने कहा है कि फैशन डिजाइनर बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है वरना अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मीना की माता पिता मीना की यह बात सुनकर मन ही मन में बहुत खुश हुए। आगे मीना
अपने सपने में देखती है कि वो अब बड़ी हो गई है। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में बचपन कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। मीना को अपना सपना पूरा करना था और अब वो बारी आ गई थी। मीना को एक अच्छी सी फैशन डिज़ाइन कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। आज कॉलेज का पहला दिन था। सपनों की आस लिए मीना ने कॉलेज में पहले दिन गुजारा। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हुई और कॉलेज का आज का दिन पूरा हुआ। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन की बात है, मीना रोज की तरह ऑटो से कॉलेज आ जाया करती थी। कॉलेज के बाहर कुछ टपोरी लोग हमेशा लड़कियों को छेड़ा करते थे। उस दिन जब मीना ऑटो से उतरी तो एक टपोरी की नज़र मीना पे पड़ी और वो उसे छेड़ने लगा। मीना कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप कॉलेज में चली गई। मीना को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका पूरा दिन खराब हो गया। उसके दोस्तों ने भी उसे पूछा पर मीना कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। अब तो ऐसा रोज होने लगा था। मीना मन ही मन में घबराई सी रहती पर किसी को कुछ नहीं कहती। उसे लगता था कि अगर वो किसी को कुछ कहेगी तो उल्टा उसे ही डांट पड़ेगी। तब तो कुछ ज्यादा ही हद हो गई जब एक दिन वो लड़के ने मीना को रोज देके प्रपोज किया। लेकिन इस बार मीना ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो फूल तोड़ दिया और उसे जोर से चाटा मारा और वो वहां से चली गई। लड़की का चाटा अब वो टपोरी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उसे मार देना चाहता था। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचा। एक दिन जब मीना ऑटो से कॉलेज पहुंची तो उसे रोक के जोर से उसके मुंह पे एसिड फेंका। मीना तड़पती रही। आसपास के लोगों ने उसे मदद करनी चाही पर दर्द कुछ ज्यादा ही भयानक था। जैसे कोई प्लास्टिक की चीज को जलाते हैं वैसे ही कुछ उसकी चमड़ी भी जल रही थी। कैसे भी करके उसकी एक आंख बच गई। चिखती चिल्लाती तड़पती मीना ने जब अपने आप को आईने में देखा तो मीना का सपना टूट गया। और सबसे पहले उसने अपने आप को आईने में देखा। वो बिल्कुल ठीक थी, यह महज एक सपना था। मीना की जान में जान तो आई पर उसे कॉलेज वाली याद आई। उसे एक लड़का रोज परेशान करता है। उसने इसी वक्त तय कर लिया कि आज नहीं तो कभी नहीं। नींद में आए एक छोटे से सपने से मीना को लड़ने की हिम्मत मिली। दूसरे दिन पुलिस को बुलाकर सबको सबक सिखाया। अगर आप भी एक लड़की है तो ऐसे टपुरियों को सबक जरूर सिखाए, वरना कुछ भी हो सकता है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2014 से 2018 तक में ही 952 ऐसे केस आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और दिल्ली स्टेट सबसे आगे है। कृपया करके ऐसे मन चलो से डरे नहीं, हिम्मत रखे और सतर्क रहे। तो मिलते हैं सपनों की दुनिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।